छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस के प्रमुख अजीत जोगी ने कहा है कि वह 2019 में मायावती को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में उन्होंने खुद को गठबंधन का सीएम उम्मीदवार बताया है। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस, मायावती की बीएसपी और वामदल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत जोगी ने कहा, हमने बीएसपी और लेफ्ट के साथ गठबंधन किया है, गठबंधन की जीत होती है तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। वहीं 2019 में पीएम पद के लिए मायावती एक बेहतर उम्मीदवार हैं। 72 साल के जोगी ने कहा कि मेरा भरोसा है कि ये गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई गठबंधन 2019 में बहुमत में आएगा। इसी से साफ हो जाएगा कि 2019 में कौन पीएम बनेगा। मेरी राय में 4 बार सीएम रही मायावती इस पद के लिए बेहतर उम्मीदवार हैं। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कहा कि बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में सभी मोर्चों में विफल रही है और गठबंधन बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। जोगी ने बीएसपी के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन को दो दिलों का मिलन कहा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव 2 चरणों में होगा। राज्य में 12 नवंबर और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 11 दिसंबर को इसके नतीजे सामने आ जाएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि छत्तीसगढ़ की जनता इस बार सीएम की कुर्सी पर किसे बैठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।